हाँ तो हेलो क्लास, हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं 3C एक्सरसाइज के 30 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चंस को हम आपको कराने के लिए जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, बच्चों ने पूछे हैं, तो उन्हीं को हम सबको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 की बात कर रहे हैं। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। ये क्वेश्चन क्या है कि 15x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो 8 इंटू 15 करेंगे हम लोग, तो 15 इंटू 8 हमारे पास ही आ गया। 15 इंटू 8 का मतलब हो गया 120, तो 120 के ऐसे दो फैक्टर करिए, 120 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। तो 12 इंटू 120 को 12 इंटू 10 लिख सकते हैं, और 12 में से अगर हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। यानी हम क्या लिख रहे हैं, 2 के प्लेस पर क्या लिख दिया, 12 माइनस 10। एक्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करा दिया, इसमें इसमें कॉमन करा दिया, और ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि फैक्टर कैसे हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 32। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 21 है और एक्स का क्वेश्चन 6 है, ठीक है। तो 21 इंटू 6, इसके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हम सारे फैक्टर लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना भी शुरू करिए। 7 को लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, इसके प्राइम फैक्टर यही तो होंगे, जो फैक्टर्स आप कर सकते हैं फैक्टर्स में इसको तोड़ दिए, मिनिमम फैक्टर्स में इसको तोड़िए, क्या आएगा, 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3। अब जरा देखिए 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 होता है, और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। अगर 14 से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम 5 के प्लेस पे क्या लिखने जा रहे हैं, इसका मीनिंग हुआ 5 के प्लेस पे 14 माइनस 9 लिख देंगे, भाई डिफरेंस लिखना है 5 का, 5 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 14 माइनस 9, इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, 21x प्लस 14x माइनस 9x माइनस 6, इन दोनों में ओवरऑल कॉमन कराइए, तो कितना कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 7x कॉमन कर लिया, क्या बचा, 3x प्लस 2, और इसमें कॉमन देखिए क्या कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस का 3, माइनस का 3, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3। जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2, ओवरऑल कॉमन देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3x प्लस 2, और यहां 7x माइनस 3, चेक करिए। पिछले क्वेश्चन थोड़ी सी यहां पे मिस्टेक है, इसको जरा ध्यान दीजिए, इसमें माइनस 2 कॉमन किया गया है, प्लस लिख दिया, माइनस 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो 5x प्लस 4 आएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 आंसर आएगा, चेक कर लीजिए। और इसमें देखिए 3x प्लस 2 कॉमन करेंगे तो 7x बचेगा, ये माइनस का 3x, माइनस का 3x आंसर, चेक कर लीजिएगा, इसमें मिस्टेक थी उसको सही कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप आगे बढ़िए, इसमें आइए, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 24 है, 12 का कोएफिशिएंट 12 है। अब 24 इंटू 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम 41 आना चाहिए, 12 इंटू 24 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम 21 आए, कितना आए, 41 आए। चलिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 के फैक्टर करना है तो जितना तोड़ सकते हैं इसको तोड़ रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2, ठीक, 6 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 2, और 12 को भी तोड़ देते हैं और थोड़ा छोटा करते हैं इसको, 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 6 और 6 चौको 24, मैक्सिमम फैक्टर हमने ब्रेक कर दिए मिनिमम, और इसको भी ऐसे और ब्रेक कर दीजिए जो भी टूट सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, चेक करिए, 2 3 6 6 4 24, और 12 को ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन्हीं में से आपको पेयरिंग बनानी है कि किसको किसके साथ लिया जाए, कि सम कितना आ जाए, 41 आ जाए, सम कितना आ जाए, 41 आ जाए। चलिए जरा किसको किसके साथ लिया जाए, मिलाइए आप कितना किसके साथ बनाया जाए। अब देखिए ध्यान से, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24, 24 ये हो गए, और 24 इसको इसके साथ लेंगे तो 12 बनेगा, 24 और 12 का सम 41 नहीं होगा, चलिए ये पे सही नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 3 3 जा
9 और 9 इंटू 4 36, 36 तो ये हो गया और ये कितना आया 8, 36 और 8 कितना हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, 41 से अबव जा रहा है, 41 से क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन चेक कर लें, सही लिखा 24x-41 + 12, ठीक है क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके क्या दो फैक्टर्स बनेंगे उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो इसको देखें आगे, तो इसमें देखिए आगे हम पेयर बनाएंगे, 2, 4, 2 × 2 = 4, 8 हो गया, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 ये हो जाएगा और ये 9, 3 × 3 = 9, इनका सम करेंगे 41 आ जाएगा, 32 + 9 = 41 के, यानी क्या क्या किसको किसको साथ दिया, 2 को लिया, 4 को लिया, 2 को लिया, मतलब 2 ये और ये एक साथ किए तो कितना बन गया 32, और 3 × 3 से 9 बना, इनका सम कितना हो जाएगा 41, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे 24x² - 32 + 9 × x + 12, क्या जाएगा 24x² - 32x - 9x + 12, कंफर्म। अब कॉमन करा लीजिए, इसमें इसमें 8x कॉमन है, 8x कॉमन करेंगे 3x - 832 = 4 - इसमें कॉमन करिए 3 कॉमन है 3x + -4 ओवरऑल कॉमन, तो 3x - 4 और 8x - 3 और ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है नोट कर लीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकली अब दिमाग लगाना पड़ेगा किसको किसके साथ पेयर लें, अब बिल्कुल क्वेश्चन सरल सरल नहीं होंगे, थोड़े टफ होंगे, इसलिए आप इससे फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं, चलिए बनवा रहे हैं आपसे फैक्टर, कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्या क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड टाइम दीजिए, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 3x² - 14x + 8, तो 8 × 3 = 24, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा 24 होगा, और 24 कैसे दो फैक्टर इनका सम 14 हो, तो 12 × 2 और 12 + 2 का मतलब कितना हो जाएगा 14, ये सवाल कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, x² 12 + 2 × x + 8, पहले x का गुणा करा दीजिए, तो 12x + 2x + 8, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3x² - 2x - 12x - 2x + 8 कॉमन कराइए, 3x कॉमन किया यहाँ बचा x - 4, इसमें कॉमन किया -2x - 4 ओवरऑल कॉमन x - 4 और यहाँ पे 3x - 2 ये आपका आंसर बन जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 34th नंबर नोट करते जाइएगा। अब आते हैं 35 नंबर पे, नोट करिए 34 35 में लिखा है 2x² + 3x - 90, 2x² + 3x - 90, तो 90 × 2 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, 90 × 2 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, चलिए तो 19 के फैक्टर किए 15 × 6 = 15 होता है 15 × 6 = 90, तो 15 × 6 × 2, अब जरा देखिए 15 को तो ऐसे रखिए और 6 × 2 = 12 लिख सकते हैं, और इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी इन प्लेस आप 3 क्या लिख सकते हैं 15 − 12 लिख सकते हैं, 2x² + 15 − 12 × x - 90, मतलब आपने क्या किया ये इंटू ये कराया, ये नंबर आता है एक करके ना x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, जो वैल्यू आती है उसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका डिफरेंस, अगर माइनस है तो डिफरेंस, अगर प्लस है तो सम किसके बराबर होना चाहिए एक्स के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, तो वही चेक किया हमने, क्या 90 को क्या लिख सकते हैं 5 × 6 लिख सकते हैं, और 2 ऐसे लिखा रहा 6 × 2 का मतलब हो गया 12 और 15 ऐसे पूरा 15 − 12 कितना होता है 3 होता है, फैक्टर हो गए। अब इसको क्या करेंगे प्लस ऐसे लिख सकते हैं -12x, प्लस का सिंबल है ब्रैकेट के साथ में खोल दिया, कॉमन कराइए कितना कॉमन आ रहा है सिर्फ x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 12x, 2x + 15, इसमें कॉमन देखिए कितना कॉमन आ रहा है 6 कॉमन आ रहा है, तो 2x + 15 ओवरऑल कॉमन करिए 2x + 15 x - 6 आंसर हो जाएगा, कोई डाउट हो तो बताइए 35 नंबर क्वेश्चन।
दिस इज 35 नंबर क्वेश्चन, नोट करिए जल्दी से, फटाफट फटाफट नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 36, रूट फाइव एक्स स्क्वायर 36 में है, रूट फाइव एक्स स्क्वायर, रूट फाइव एक्स स्क्वायर ठीक है, प्लस टू एक्स माइनस थ्री रूट फाइव, प्लस टू एक्स माइनस थ्री रूट फाइव। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का ऑप्शन कितना है, रूट फाइव, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन रूट फाइव, और कॉन्स्टेंट का कौन है, टू इंटू सॉरी थ्री इंटू रूट फाइव, थ्री रूट फाइव। इसको देखिए ध्यान से क्या वैल्यू आएगी, इसको थ्री ऐसे लिखा नहीं, फाइव इंटू ये करेंगे रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो कितना देगा फाइव, और इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस किया कितना आ रहा है, देखो दो आ रहा है, यानी इसके और इसके दो फैक्टर क्या बन रहे हैं हमारे, फाइव और थ्री। यहाँ क्या लिख देंगे, रूट फाइव एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, टू के प्लेस में लिख देंगे फाइव माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री रूट फाइव, सिंपली अंदर गुणा करा दीजिए और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए, ये फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री रूट फाइव। कॉमन देखिए क्या है, इसमें कॉमन दिख रहा होगा, इस वाले फाइव को लिख सकते हैं रूट फाइव इंटू रूट फाइव, फाइव को लिखा जा सकता है रूट फाइव इंटू रूट फाइव, दो बार नहीं से लिख सकते फाइव को, रूट फाइव रूट फाइव, तो एक रूट फाइव कॉमन आ जाएगा इसके प्लेस में, रूट फाइव कॉमन हो गया, एक्स भी कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ एक्स बचा, इससे जब इसको डिवाइड करें तो सिर्फ एक्स बचेगा, जब इससे इसको डिवाइड करें तो एक रूट फाइव कट जाएगा, एक रूट फाइव बच जाएगा, तो रूट फाइव, इसमें इसमें कॉमन है तीन माइनस का, एक्स प्लस रूट फाइव, ओवरऑल कॉमन एक्स प्लस रूट फाइव, और ये कितना देगा रूट फाइव एक्स माइनस थ्री। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 36, नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 36। 37 कितना पढ़ते हैं, 37 टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर, 37 है टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर, टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फाइव रूट थ्री। चलिए इसका इसका मल्टीप्लीकेशन कराइए, क्या वैल्यू आएगी, टू रूट थ्री इंटू फाइव रूट थ्री, टू रूट थ्री इंटू फाइव रूट थ्री, चेक करिए, टू रूट थ्री इंटू फाइव रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया, थ्री हो गया, और थ्री इंटू टू यानी सिक्स, इसको इसको साथ लिया तो क्या बना सिक्स, और सिक्स में से अगर हम फाइव को घटाएंगे तो एक आएगा, और हमें डिफरेंस एक ही चाहिए, एक्स के साथ कुछ नहीं लिखा तो मतलब कितना कोएफिशिएंट मानेंगे, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वन है, तो इन दोनों का गुणा कराने से जो आया उसके ऐसे दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस एक हो, यानी इसके प्लेस में क्या लिख सकते हैं, टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव इंटू एक्स, अंदर गुणा करा दीजिए, टू रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव रूट थ्री, इसमें इसमें कॉमन देखिए, इसमें इसमें कॉमन देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें इसमें टू तो कॉमन है तो टू कॉमन निकाल लेंगे ठीक, तो यार रूट थ्री इंटू एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर, और इसमें जब टू कॉमन करेंगे तो थ्री एक्स बच रहा होगा, और थ्री एक्स के अंदर देखो रूट थ्री भी है, तो इसमें से देखो सिक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, सिक्स को बताओ ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, सिक्स का मतलब है कि नहीं है, अब कॉमन देखिए सिक्स का मतलब ये है, तो इसके अंदर टू भी है रूट थ्री भी है, टू रूट थ्री कॉमन हो गया एक्स भी कॉमन हो गया, तो कितना कॉमन है टू रूट थ्री एक्स, क्या बचेगा इसे एक्स बचेगा प्लस रूट थ्री बचेगा, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या माइनस का फाइव, क्या बचेगा एक्स प्लस रूट थ्री, दोनों से ओवरऑल कॉमन एक्स प्लस रूट थ्री, और यहाँ पे टू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव। आंसर क्लियर हो गया होगा, एक क्वेश्चन नंबर 37, अब 38 पे चलते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट फोर्टीन, सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट फोर्टीन एक्स प्लस टू प्लस टू, अब इसका मल्टीप्लीकेशन कराइए कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू टू का मतलब हो गया 14, 7 इंटू टू मतलब हो गया 14, 14 कैसे दो फैक्टर को जिनका सम कितना होना चाहिए, टू रूट फोर्टीन आना चाहिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट फोर्टीन रूट फोर्टीन, और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, इस 14 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे टू रूट फोर्टीन आ जाएगा, कितना आ जाएगा टू रूट फोर्टीन आ जाएगा, तो क्या आ गया यहाँ पे सेवन एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे सेवन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा इस टू रूट फोर्टीन के प्लेस रूट फोर्टीन प्लस रूट फोर्टीन इंटू एक्स लिख सकते हैं प्लस का टू, चेक कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अब इस टाइम देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट फोर्टीन एक्स प्लस अंडर रूट फोर्टीन एक्स
और प्लस टू चेक करो। अब जरा इसमें देखो कॉमन ढूंढना, बड़े अच्छे से समझिएगा। इसको अंडर रूट 14 को लिख सकते हैं हम लोग, अलग में अंडर रूट 14 को लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 2, और 7 को लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 7, समझने के लिए लिखा अलग। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, टोटल ओवरऑल रूट 7x कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा रूट 7x, और रूट 7 से इसको डिवाइड करें तो कितना बचेगा, तो देखिए रूट 7x कॉमन करें तो रूट 7x प्लस, अब रूट 7 इसके अंदर से निकालो तो क्या बचेगा रूट 7 निकल गया तो क्या बचा रूट 2, रूट 2 आ गया। इसमें देखिए इसको रूट 7 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, और रूट 2 को 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 के इससे इसके अंदर से कॉमन आ रहा है रूट 2, रूट 7x प्लस रूट 2, ओवरऑल कॉमन क्या आ गया रूट 7x प्लस रूट 2, और दूसरे ब्रैकेट में रूट 7x प्लस रूट 2 आंसर बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 38 की बात आते हैं 39 पे, 38 बार 39 नंबर देखते हैं। 39th नंबर क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, 39th नंबर क्वेश्चन, 39th नंबर क्वेश्चन है 6 रूट 3x स्क्वायर, 6 रूट 3x स्क्वायर, 6 रूट 3x स्क्वायर, 6 रूट 3x स्क्वायर, 6 रूट 3x स्क्वायर। चलिए देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और ये 32 है, 41 है 42 है, जो भी नंबर है 39 है और ये 40 है सॉरी। चलिए तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराए तो 6 रूट 3 इंटू 5 रूट 3, ठीक, तो 6 इंटू 3 से 3 बन जाएगा, रूट 3 से रूट 3 बन जाएगा, और ये कितना हुआ 6 इंटू 5 इंटू 3, ये टोटल वैल्यू बनेगी आपकी। अब आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 47 एक्स, 47 एक्स, और प्लस 5 रूट 3, प्लस 5 रूट 3, 6 रूट 3 इंटू 5 रूट 3, 6 रूट 3 और प्लस 5 रूट 3, इनके ऐसे दो फैक्टर करिए तो ये क्या आ गया 6 गुणे 5 और 3, तो गुणा कराइए इसके ऐसे 6 इंटू रूट 3 और 5 इंटू रूट 3, तो 6 रूट 3 ये हो गया, 5 रूट 3 रूट 3 से रूट 3 से 3 बना, तो क्या ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका सम कितना होना चाहिए 47 होना चाहिए, जिनका सम कितना आना चाहिए 47 होना चाहिए, ठीक है, जिनका सम 47 आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए देखिए अब इसको और भी ब्रेक करिए, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, अब जरा देखिए ध्यान से क्या आएगा, एक मिनट, ये 3 है 5 ठीक है लिखते हैं, इसको देखिए तो ये कितना हो गया 3 इंटू 5 15, 15 से 45 ये 15 हो गया और ये 3, ये पूरा बना रहा 45 और ये बना रहा 2, इनका सम 47 हो जाएगा, यानी लोग क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 रूट 3। चलिए जरा अंदर गुणा कराइए 6 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 2x प्लस 5 रूट 3, सही है, कॉमन कराइए इसमें, इसमें कॉमन देखना है 45 को, देखो ध्यान से 45 को क्लियर ढंग से लिखिए, क्या लिखा है 45, 45 का मतलब हुआ 3, 5 इंटू 3 इंटू 3 यही तो हुआ। अब देखिए इसके अंदर से कॉमन निकालना है हमको, कितना कॉमन निकलेगा, कितना कॉमन 6 रूट 3, तो 6 इसके अंदर तो नहीं है, 3 है इसके अंदर, इसके देखिए एक 3 तो पूरा निकल आएगा, ठीक, और रूट 3 से एक रूट 3 निकला है तो 3 रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा, और जब इसको 3 रूट 3 से डिवाइड करोगे रूट 3 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 5 रूट 3, और इसमें जब कॉमन करोगे तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ पर 2x माइनस 5 रूट 3, और टोटल ओवरऑल कॉमन कर लेंगे 2x माइनस 5 रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3 रूट 5, यहाँ x नहीं लिखा, x लिख दीजिए 3 रूट 3 x माइनस 1। थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसको बार बार देख करके समझिए, टेक्निकली थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको इसको देखिए क्या कितना है, 5 3 रूट 5 और ये 5 रूट 5, तो जरा देखिए ध्यान से क्या बन गया 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे दो फैक्टर को जिनका सम कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, तो देखो 5 नहीं 15, ये 15 बना और ये 5 बना, इनका सम 20 है, देखिए ध्यान से इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 5 रूट 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5x,
प्लस थ्री रूट फाइव कॉमन करिए, पांच कॉमन है, पांच कॉमन है तो पांच एक्स कॉमन कर लिए, फाइव एक्स कॉमन कर रहे हैं, पांच रूट फाइव रूट फाइव है तो फाइव, तो फाइव इसमें कॉमन आ जाएगा, फाइव इसमें कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, फाइव इसमें कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, फिर इसमें फाइव एक्स कॉमन हो गया। अब जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रूट फाइव बचेगा, एक्स बचेगा, रूट फाइव बचेगा और एक्स बचेगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे क्या क्या बचेगा, प्लस का तीन बचेगा। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन है रूट फाइव, अंदर बचेगा रूट फाइव एक्स और प्लस थ्री, और दोनों से ओवर कॉमन आ जाएगा रूट फाइव एक्स प्लस थ्री, और दूसरे ब्रैकेट में फाइव एक्स प्लस रूट फाइव आंसर आ जाएगा। ये तो सरल था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा, इसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ठीक है ना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा अपने आप से। 39 एंड 40 तक हम लोग हो गए, पहुंच गए। अंडर रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकली ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। हाँ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 41, 42, थ्री रूट रूट थ्री एक्स स्क्वायर, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स, रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस एट रूट थ्री, एट रूट थ्री, तो इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट थ्री इंटू एट रूट थ्री, तो कितना हो गया, आठ गुणे तीन हो गया, यानी 24 बन रहा है। 24 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 24 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम 10 होना चाहिए। देखिए 8 ये रहा रूट थ्री से रूट थ्री, तो आठ थ्री 24, 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम कितना हो 10, तो 6 और 4, 6 चौक को 24, इनका सम देखिए 10 हो रहा है। 24 के ऐसे दो फैक्टर, दो फैक्टर कौन होंगे, एक 6 होगा एक 4 होगा, 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम कितना हो 10 हो, 6 और 4, यहाँ कितना लिखिएगा रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 8 रूट थ्री, कॉमन करना रह जाएगा। 6 का मतलब क्या हुआ, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखिए कॉमन ढूंढिए, 6 का मतलब ये हुआ तो रूट 3 कॉमन है कि नहीं है, और x दोनों में दिख ही रहा है आपको, तो ओवरऑल कॉमन आ गया रूट 3x, क्या बचेगा यहाँ x बचेगा, रूट 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे रूट 3 कट जाएगा, 2 रूट 3 बचेगा, 2 रूट 3, इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन 2 आ रहा है, 2 नहीं 4 आ रहा है सॉरी, x प्लस 2 रूट 3, ओवरऑल कॉमन x प्लस 2 रूट 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट 3x प्लस 4, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, प्रैक्टिस करिए इस एक्सरसाइज, सबसे ज्यादा यूजफुल एक्सरसाइज है, काम आएगी बहुत आगे आपको। चलिए 42 नंबर, 42 नंबर में 2x रूट 2x स्क्वायर, रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2 हुआ, और 2 के ऐसे दो फैक्टर इनका सम 3 हो तो 2 और 1, 2 के ऐसे दो फैक्टर 2 और 1 इनका सम कितने बराबर होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ क्या लिख सकते हैं रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस रूट 2, इसमें इसमें कॉमन आ गया रूट 2x, आएगा कि नहीं, रूट 2 का मतलब रूट 2 इंटू रूट 2, 2 कॉमन रूट 2 कॉमन कर लिया, क्या बचेगा x बचेगा या रूट 2 बचेगा, इसमें इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन करते हैं, 1 प्लस रूट 2, ओवरऑल कॉमन x प्लस रूट 2, और यहाँ क्या आ जाएगा रूट 2x प्लस 1, नोट कर लीजिएगा ये भी आपका 42 नंबर। 43 नंबर पे आते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 एक्स और प्लस 3, 3 इंटू 2 ये करवा चुके हैं पुराने पीछे वाले में क्वेश्चन, पिछले वीडियो में 3 इंटू 2 6 हो गया, इसके ऐसे दो फैक्टर को इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 3 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखो ध्यान से, एक 2 रूट 3 ये हो गया और एक रूट 3 हो गया, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 3 रूट 3 नहीं मिल जाएगा, यानी 3 इंटू 2 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 3 रूट 3 हो जाए, 2 रूट 3 एक रूट 3, 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x और प्लस रूट 3x और प्लस 3, कॉमन करिए सर इसमें, इसमें 2x कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस रूट 3, इसमें कॉमन क्या है रूट 3, x प्लस रूट 3, ओवरऑल कॉमन करिए x प्लस रूट 3 और इन ब्रैकेट 2x प्लस रूट 3, ये आपका 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन,
44 नंबर क्वेश्चन लिखा 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 चलिए तो 15 into 28 इनका इनका प्रोडक्ट हो गया ऐसे दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस एक आना चाहिए तो 15 को लिख सकते हैं 5 into 3 और इसको लिख सकते हैं कितना 7 चौक 28 ठीक है अब देखिए 7 3 21 ये होगा ये क्या बना रहा है 21 और ये मिला के क्या बना रहे हैं 20 और इनका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 1 तो 15 into 28 कैसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस एक है 21 एक है 20 15x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 20 into x माइनस 28 पहले x का गुणा कराइए फिर ब्रैकेट को लिखिए बाहर माइनस लगा हुआ है जब भी बाहर यहां माइनस हो तो आप पहले गुणा कराइए फिर उसके बाद ब्रैकेट खोलिए प्लस में आप सीधे दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हो लेकिन माइनस वाले में अलग अलग करिए कहीं गलती नहीं होनी चाहिए इसमें से कॉमन देखिए बताइए आप फटाफट कितना कॉमन आ रहा है इसमें से कॉमन है 3x तो यहां आ जाएगा 5x माइनस 7 इसमें से कॉमन देखिए कितना इसमें से कॉमन है 4 4 कॉमन करेंगे कितना बचेगा 5x माइनस 7 ओवरऑल कॉमन 5x माइनस 7 और यहां आ गया 3x प्लस 4 नोट कर लीजिएगा 44 नंबर क्वेश्चन ठीक है ना 44 नंबर क्वेश्चन अच्छे से नोट करते जाइए फटाफट 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या है 6x स्क्वायर माइनस 5x 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21 तो 21 into 6 इसके ऐसे दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस कितना ना चाहिए 5 तो 21 को लिख सकते हैं 7 गुणे 3 7 3 21 और 6 को लिख सकते हैं क्या 3 into 2 ठीक ऐसे दो फैक्टर 7 गुणे 14 और 3 त्रिका 9 तो 14 माइनस 9 बराबर 5 के देखिए ये सवाल कर चुके पीछे भी रिपीट हो रहा है सवाल तो 6x स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 14x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 21 अंदर गुणा कराइए 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x माइनस 21 अंदर गुणा करा दीजिए 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9x प्लस 21 कैलकुलेट करिए कॉमन बताइए 2x कॉमन है क्या बचेगा 3x माइनस 7 कॉमन बताइए 3 कॉमन है 3x माइनस 7 यहाँ प्लस नहीं माइनस है कॉमन कर लीजिए 3x माइनस 7 और यहाँ पे 2x प्लस 3 आंसर हो गया ये आपको 45 नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 तो 5 15 गुणे 2 2 गुणे 15 ऐसे दो फैक्टर जिनका सम कितना होना चाहिए जिनका डिफरेंस आना चाहिए 7 डिफरेंस 7 चाहिए तो 2 गुणे इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 5 से 15 को ये लिख सकते हैं अब देखिए डिफरेंस 7 आना चाहिए 5 दूनी 10 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7 10 माइनस 3 कितना दे देगा 7 दे देगा आ जाएगा ना 10 माइनस 3 कितना देगा 7 तो यानी 2x स्क्वायर माइनस 10x 10 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 अंदर गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15 ओवरऑल कॉमन करिए 2x क्या बचेगा x माइनस 5 कॉमन करिए प्लस का 3 x माइनस 5 ओवरऑल कॉमन x माइनस 5 एंड 2x माइनस 2x प्लस 3 आंसर हो जाएगा ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा 46 नंबर चलिए आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47 5x स्क्वायर माइनस 16x 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 ऐसे दो फैक्टर किसका 5 गुणे 21 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 16 आना चाहिए तो 5 ऐसे लिखा रहा है इसको 7 गुणे 3 लिख सकते हैं 7 गुणे 3 7 गुणे 3 देखिए ध्यान से 7 21 तो 5 गुणे 21 के ऐसे दो फैक्टर 5 गुणे 7 गुणे 3 5 गुणे 7 गुणे 3 अब इनके ऐसे दो फैक्टर बने जिनका डिफरेंस कितना बनना चाहिए 16 बनना चाहिए 7 3 21 21 माइनस 5 ये तो सीधे खुद ही बन रहे थे कुछ करना ही नहीं था 21 माइनस 5 बराबर 16 तो कर लेंगे 5x स्क्वायर माइनस 21 माइनस 5 इंटू एक्स 21 माइनस 5 इंटू एक्स तो इसके खुद ही फैक्टर है 21 माइनस 5 16 आ जाएगा तो यहाँ पे लिख दिया और ये ऐसे आ जाएगा बढ़ा दीजिए इसको 5x स्क्वायर
माइनस 21 और प्लस 5x और माइनस 21, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 21, इसमें कॉमन क्या है 1, तो 5x माइनस 21 ओवरऑल कॉमन 5x माइनस 21 और ये x प्लस 1। चेक करिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, चेक कर लीजिए कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। देखिए एक चेक करने का तरीका होता है, आप इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो यही आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो इसका आपने जो किया वो सही है, ये भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो आप चेक कर लीजिए। ये इनटू ये कराएंगे 5x स्क्वायर है, ये कराएंगे माइनस का 21x और ये प्लस का 5x माइनस का 16x बन जाएगा और माइनस का 21, बिल्कुल सही फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेक भी आप कर सकते हो आप क्वेश्चन को, जो आपने फैक्टर करके निकालेंगे लास्ट में अगर हम दोनों ब्रैकेट्स का गुणा कराएं तो हमें वापस वही क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, तो ये नहीं आप सही कर रहे हो। चलिए अगला देखिए, इसके बाद है 47 नंबर, 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 ये हो गया, ठीक है। फिर 48 नंबर, 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 35, तो 6 इंटू 35 कैसे दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 11, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 5। चेक करो तो ये कितना बना 7 3 21 और ये कितना बना 10, तो 21 माइनस 10 बराबर 11 के, 7 × 3 = 21 बना, 5 × 2 यानी 10 बना, तो 21 माइनस 10 करेंगे तो 11 आएगा। क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 21 माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 35, अंदर गुणा करा दीजिए फिर ब्रैकेट खोल दीजिए, 21x माइनस 10x माइनस 35 ब्रैकेट खोलिए, 6x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 35 कॉमन कराइए, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x कॉमन आ रहा है, इन दोनों कॉमन क्या है 3x, क्या बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 7, तो इसमें कॉमन क्या है 5 कॉमन है, क्या बचेगा 2x माइनस 7, ओवरऑल कॉमन क्या आ गया 2x माइनस 7 और 3x प्लस 5, ठीक ये आंसर आ गया। अब आपको अगर चेक करना सही है कि गलत, इन दोनों का गुणा कराइए, मेरा गुणा कराओ, इसका गुणा इसके साथ कराओगे 6x स्क्वायर आएगा, इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो 7 × 21x आएगा, इसका गुणा इसके साथ कराओगे प्लस का 10x आएगा और इसका गुणा इसके साथ कराओगे माइनस का 35 आएगा। अब इन दोनों की जरा देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 6x स्क्वायर माइनस माइनस के माइनस 21x में प्लस के 10x घटेंगे 11x बचेंगे कि नहीं बचेंगे माइनस 35, देखिए वही है जो क्वेश्चन था कि नहीं, तो आप चेक भी कर सकते हो अपना, यानी इस तरह से चेक भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर था 48 के बाद 49 तो इजी ये कर सकते हैं, 9x² माइनस 3x माइनस 20, ऐसे दो फैक्टर को जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए 9 × 20, तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और इसको लिख सकते हैं 10 × 2 = 20 लिख सकते हैं, ऐसे दो फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, जिनका डिफरेंस कितना है 3 आया, तो इसको और खोल लीजिए इसको जरा, इसको और खोल लीजिए, तो देखिए ध्यान से 10 × 3 हमको क्या लाना है डिफरेंस कितना चाहिए सिर्फ 3 चाहिए, डिफरेंस 3, तो इसको और ओपन करिए तो अभी नहीं आ रहा है, इसको ले सकते 5 × 4, तो ये 5 × 15 और 4 × 12 डिफरेंस 3 दे देगा, 15 माइनस 12 बराबर 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 20 ब्रैकेट खोल दीजिए, पहले ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन फिर अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन, तो 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12x माइनस 20 कॉमन कराइए, 3x कॉमन आ गया, क्या बचा 3x माइनस 5 कॉमन कराइए, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4 कॉमन कर लिए तो 3x माइनस 5 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 5 और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4 खत्म। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 49। 50 नंबर 10x स्क्वायर 50th नंबर क्वेश्चन लिखा 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 7 तो 10 × 7 70 हो गया 10 × 7 तो इसको लिख सकते हैं 5 × 2 × 7 5 × 2 तो इसके इससे क्या बनेगा 7 × 2 = 14 14 − 5 कितना आ जाएगा 9 कर लेंगे ना यानी यहाँ क्या लिख जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 14 − 5 × x माइनस 7 तो 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5x माइनस 7 कॉमन बताइए 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 7 इसमें कुछ नहीं कॉमन है 1 कॉमन करेंगे 5x माइनस 7 यहाँ क्या आ जाएगा 5x माइनस 7 और 2x प्लस
वन आंसर बन जाएगा। आगे समझिए, दिस इज योर 50th नंबर क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा फटाफट। एक्सरसाइज थोड़ी बहुत बड़ी है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्या किया जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा सा ये फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 अपॉन 16, इस तरह से लिखा है, इस तरह से क्वेश्चन लिख के दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले आप एलसीएम ले लीजिए सबका, तो कितना जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7 अपॉन 16, ऐसे लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा। इस चीज को किनारे ऐसे लिख दीजिए, 1 अपॉन 16 ब्रैकेट, क्या लिखा 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 7। अब क्या करेंगे, 16 इंटू 7 के ऐसे दो फैक्टर को जिनका सम कितना आना चाहिए 32, बाकी ये कौन से पुराना, ये ऐसे किनारे लिखा रहेगा। तो यहाँ क्या लिख जाएगा, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनका, 16 के ऐसे दो फैक्टर करें जिनका सम कितना आना चाहिए 32, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2 इंटू 7, 8 को और तोड़ देते हैं इसको, 8 को 8 इंटू 2 इंटू 7 इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। चेक करिए हमको कितना सम चाहिए 32 चाहिए, तो 7 दूनी 14 और ये 8, 14 और 8 22 होता है, 32 नहीं होता है। अभी और तोड़िए इसको, इसको और तोड़ दिया तो इसको 2 गुणे 2 लिख दिया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी ये कितना हो गया 28 हो गया, इससे कितना आ गया 28 आ गया, और ये दो ये कितना है 4, इन दोनों का सम 32 है कि नहीं है। तो 16 गुणे 7 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम कितना होना चाहिए 32, क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 28 माइनस 4 इंटू एक्स ए प्लस 4, क्योंकि सम चाहिए प्लस लगा दिए, माइनस 7 ए प्लस 7 है, अब मल्टीप्लीकेशन कराइए, 1 अपॉन 16 ब्रैकेट 16x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 4x प्लस 7, कॉमन कर लीजिए जरा, 1 अपॉन 16 ब्रैकेट, इसमें इसमें कॉमन बताइए कितना है, 4x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 7, इसमें कॉमन है माइनस का वन, 4x माइनस 7, ओवरऑल कॉमन करेंगे कितनी वैल्यू देगा, 1 अपॉन 16 इन ब्रैकेट 4x माइनस 7 एंड 4x माइनस 1। चेक करिए ये दो फैक्टर्स आ गए, आप यहीं पे आंसर कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है, 4x माइनस 7 और 4x माइनस 1 अपॉन 16, 1 अपॉन 16। अगर मन करे तो थोड़ा बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसमें से 4 कॉमन जबरदस्ती का बाहर निकाल लीजिए, इसमें से 4 कॉमन करके जबरदस्ती बाहर निकाल लीजिए, तो ये 16 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा। अब जरा देखो ये भी आंसर सही है, आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप और बढ़ाना चाहते हो तो इसको और बढ़ा सकते हैं, इससे 4 को फोर्सफुली कॉमन करिए, एक्स यहाँ कितना बचेगा 7 अपॉन 4, भाई 4 से इसको डिवाइड करें तो कट जाएगा तो एक्स बचेगा, इसको जब करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा तो 7 अपॉन 4 बच जाएगा, इसमें आएंगे इसमें से भी 4 कॉमन करिए, एक्स माइनस 1 अपॉन 4 और 4 इंटू 4 16 हो गया, 4 इंटू 4 16, 16 से 16 कैंसिल, तो आंसर ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो आप परेशान ना हो जाइएगा, ऐसे भी आंसर सही है और वैसे भी आंसर सही है, दोनों तरीके से आंसर आपका इस सही है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर लीजिए, आप यहाँ छोड़ना चाहें यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ लाना चाहें यहाँ ले आइए। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 51 था, इसी पैटर्न पे 52, 53, 54, 55, 56 सब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हैं अभी, ये लगभग आपके इसी पैटर्न पे चलेंगे, है ना। चलिए एक और करवा देते हैं एक दो, उसके बाद फिर आप इनको करिएगा, कोशिश करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9, ये 52 नंबर है, तो भैया एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 त्रिक 27, 27 आ जाएगा, देखिए ध्यान से एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 6x माइनस 27, 3 को किनारे कर दीजिए। अरे भाई ऐसे आप एलसीएम लेके दिखा दीजिए, ऐसे एलसीएम दिया इससे डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें करेंगे 1 इंटू 1 से 3 आएगा, 3 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 6x हो गया, यहाँ 1 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू 9 27, इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27। अब 27 के ऐसे दो फैक्टर इनका डिफरेंस कितना हो 9, तो 9 त्रिक 27, 9 और 6 सीधे सीधे दिख रहे हैं, क्या फैक्टर आएंगे 9x 9 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 27, अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x माइनस 27, ब्रैकेट खोल दीजिए 1 बाई 3, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3x माइनस 27, ओवरऑल कॉमन करिए फटाफट, इसमें x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा कॉमन,
इसमें x कॉमन आ रहा है x माइनस नाइन, इसमें कॉमन क्या आ रहा है तीन, x माइनस नाइन, ओवरऑल कॉमन क्या आ रहा है x माइनस नाइन और x माइनस थ्री अपॉन थ्री, यही आंसर कर दीजिए ओके हो जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ चाहिए तो कॉमन अमन वैसे होगा, इसमें नहीं कुछ करना नहीं, बस यही आंसर रख लीजिए। इसके बाद 53 नंबर, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x अपॉन 35x, 35x और प्लस 1 अपॉन 35। देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन एलसीएम कितना आ रहा है, 35 एलसीएम आ रहा है, यहां क्या बचेगा 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1, तो 1 अपॉन 35 ऐसे लिख दिया ब्रैकेट, 35x स्क्वायर प्लस 12x इनटू 1, इसके ऐसे दो फैक्टर करिए 35 के, जिनका सम कितना हो 12 हो, तो 7 7 5 7 और 5 सीधे लिख दे रहे हैं, 35x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 1, 7 5 35, 35 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम 12 हो तो 7 और 5, तो सब 5x प्लस 7x बन जाएगा, 1 अपॉन 35 कॉमन कराइए, इसमें कितना कॉमन है 7x, यहां क्या बचेगा 5x प्लस 1, इसमें कॉमन 1, 5x प्लस 1, ओवरऑल कॉमन करिए क्या जाएगा 1 बाई 35 इन ब्रैकेट 5x प्लस 1 और 7x प्लस 1, यही आंसर छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको आंसर मैच करना है तो इससे को 5 कॉमन आ रहा है, इससे 7 कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन 35 यहां 5 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1 अपॉन 5, x फोर्सफुली कॉमन किया तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन 5 हो जाएगा, इसमें 7 कॉमन करिए तो क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन 7, 7 इंटू 5 35, 35 कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर आंसर क्या बनेंगे x प्लस 1 अपॉन 5 और x प्लस 1 अपॉन 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। आप समझ गए होंगे इस तरह क्वेश्चंस करना, कि ऐसे फ्रैक्शनल वाले भी क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए, 51, 52, 53 ये सब इसी पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 51, 52, 53 आप 54 भी आप कर लेंगे, 55 भी आप करेंगे इसी पैटर्न पे, नहीं आए तो पूछिए। अब आते हैं सीधे सीधे 59 पे, 59th नंबर देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस y का होल स्क्वायर और फिर लिखा है 9 x प्लस y और प्लस प्लस नहीं बात माइनस y लिखा है, अब देखिए थोड़ा सा बदल दिया है, अब देखिए x प्लस y, x प्लस y ऐसे लिख दिया दो जगह, तो आप क्या करिए लेट कर लीजिए, x प्लस y को हमने क्या मान लिया, x प्लस y को हम क्या मान ले रहे हैं, u मान ले रहे हैं, तो हमारा सवाल क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर माइनस 9u माइनस 5, अब फैक्टर करिए 5 दूनी 10, 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम सॉरी डिफरेंस 9 होना चाहिए, क्या आएंगे 10 माइनस 1, अब फैक्टर कर लीजिए 5 दूनी 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना 9, तो 10 और 1 होता है, 10 में से 1 को फैक्टर करें 9 आएगा, तो आ जाएगा 2u स्क्वायर माइनस 10u प्लस u, अंदर गुणा कराया ब्रैकेट खोल दिया साथ में, दो काम एक साथ, इसमें कॉमन करिए 2u, क्या बचेगा u माइनस 5, इसमें कॉमन किया प्लस का 1 u माइनस 5, ओवरऑल कॉमन u माइनस 5 और 2u प्लस 1, अब u की वैल्यू जो थी ऊपर से रख दीजिए, आपको u की वैल्यू कितनी थी x प्लस y, तो यहाँ देखिए x प्लस y माइनस 5, यहाँ भी जब वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू x प्लस y और प्लस 2, अगली स्टेप में सॉरी 1, अगली स्टेप में 2 का गुणा कर दीजिए, क्या आंसर आएगा x प्लस y माइनस 5 और 2x प्लस 2y प्लस 1 आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से लेट करके भी आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है ना, एक और देखते हैं 60th नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर देख लीजिए, इसके बाद जो बाकी बचेंगे आप करिएगा, ठीक है ना, उम्मीद है फिर आ जाएंगे, 9 इन ब्रैकेट 2a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 4 2a माइनस b माइनस 13, ये ऐसे लिखा हुआ है। चलिए देखिए इसमें लेट कर लीजिए क्या 2a माइनस b इक्वल टू क्या x मान ले रहे हैं, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13, 13 इंटू 9 कैसे दो फैक्टर खुद ही है, 13 इंटू 9 कैसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 4 हो तो 13 और 9 खुद ही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फैक्टर करना ही नहीं पड़ा आपको, तो यहाँ कितना जाएगा 13x ब्रैकेट को लिख तो माइनस का 13x प्लस का 9x और माइनस का 13, कैलकुलेशन करिए इसमें कॉमन कितना आ रहा है, इसमें कॉमन x आ रहा है तो क्या बचेगा 9x माइनस 13, इसमें कॉमन 1 आ रहा है तो 9x माइनस 13, कुल मिला के आ गया 9x माइनस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, चेक कर लीजिए कहीं कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ठीक, x की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रखिए x की वैल्यू 2a माइनस b माइनस 13 और यहाँ पे
2a माइनस बी प्लस वन अंदर गुणा कराइए तो कितना आ जाएगा 18a।